होली का मौका हो और कोई मिठाई ना हो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल में चाशनी वाली मावा गुजिया, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और चाशनी वाली हम बनाने वाले हैं तो बाहर से एकदम सॉफ्ट होगी और अंदर से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। और मावे की स्टफिंग है तो आप ही मान सकते हैं कि बहुत टेस्टी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मावे वाली गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1 कप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खस्ता बनाने के लिए हम मैदा ही यूज़ करेंगे। 4 से 5 बड़े चम्मच में घी डाल रही हूँ। घी को अच्छे से मेल्ट करके लेना है और इसे अच्छे से मसल लेंगे हम, और मुट्ठी में होल्ड करके देखेंगे। अगर होल्ड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1 से 2 चम्मच हम और घी डाल लेंगे। और मैं यहाँ प्रेफर करूँगी आप घी ही डालना, तेल बिल्कुल नहीं डालना, इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो मसल लेंगे इसे अच्छे से और होल्ड करके देखें। देखिए ये होल्ड अच्छे से हो रहा है, तो ये अच्छे से बन गया है। अब हम पानी लेंगे, तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है, तो इससे हम आटा लगाएंगे, एकदम सख्त आटा लगाएंगे। जैसे हम समोसे के लिए आटा लगाते हैं ऐसे ही गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। देखिए आटा मैंने लगा दिया है, एकदम सख्त आटा है। थोड़ा सा घी या तेल डालकर हम इसे अच्छे से ग्रीस करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। ढककर हम रखेंगे इसे, जिससे आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे, तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें 200 ग्राम मैंने यहाँ खोया लिया है। खोया मैंने घर पर ही बनाया है और इसे 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से भून लिया है, जिससे इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप मावा लें तो थोड़ा सा भून कर ही लें। इसको मैंने क्रम्बल कर लिया अच्छे से। अब इसमें 3 से 4 चम्मच मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट को भी मैंने थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही साथ इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच मैं नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। नारियल का बुरादा बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब आधी छोटी चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा मैंने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली है, आप चाहें तो इसमें चीनी पाउडर यहाँ डाल सकते हैं। मैंने खोया निकालते टाइम चीनी इसमें पहले से मिला दी थी। तो ये बनकर तैयार है। अब चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए 2 कप मैंने यहाँ चीनी ली है और साथ ही साथ हम 1.5 कप पानी लेंगे। तो 1.5 कप पानी डाल लेते हैं और चीनी अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसे पका लेंगे अच्छे से, चाशनी तैयार कर लेंगे। तो देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाएगी। और इलायची पाउडर डालने के बाद 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। चाशनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, तो अब हम चेक कर लेंगे। तो अंगूठे और उंगली से हम इसे चेक करेंगे। देखिए इसमें पूरा तार नहीं बन रहा है, हल्का सा तार खींच रहा है, तो चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को ढक कर रख देंगे ताकि ये हल्की सी गुनगुनी रहे, क्योंकि चाशनी गुनगुनी ही रहनी चाहिए। अब आटे को चेक कर लेते हैं। आटा बिल्कुल अच्छे से लगकर तैयार है। 1 से 2 मिनट हम और मसल लेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं रहें। देखिए इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। अब जितनी छोटी या बड़ी हम गुजिया बनाएंगे उसी के अनुसार इसमें से लोइयां तोड़कर तैयार कर लेंगे। पूरी से थोड़ी सी छोटी हम लोई लेंगे, तो ऐसे हम तैयार कर लेते हैं सारी लोइयां तोड़कर, और आटे को एकदम ढक कर रखेंगे ताकि इसकी ऊपर की परत सॉफ्ट रहे। तो आटे को ढक देते हैं और जो लोइयां हमने बनाई हैं उसे ऐसे मसल मसल कर चिकना कर लेंगे और इसे बेल लेते हैं हम, बिल्कुल ऐसे तैयार करनी है। अब एक चकला लेंगे, अगर आपका आटा सॉफ्ट है तो आप थोड़ा सा या सूखा मैदा ले सकते हैं,
लेकिन ये आटा बिल्कुल अच्छे से लगकर तैयार हुआ है तो इसमें तेल लगाने की या फिर आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे बेल लेते हैं, जैसे पूरियां हम बेलते हैं ऐसे हल्का सा हम मोटा रखेंगे इसे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी थिकनेस हमें रखनी है। तो अब हम हथेली पर लेंगे और 2 चम्मच हम स्टफिंग डाल लेंगे। 2 चम्मच ही डालनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तेल में तो ये फटने लग जाएंगी। तो अब किनारों पे हम पानी लगा देंगे ताकि इसे अच्छे से हम सील कर सकें ऐसे। अब एक तरफ से उठाएंगे और दूसरी तरफ इसे अच्छे से बंद कर देंगे। जो इसके किनारे हैं इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे ताकि ये फटे नहीं। किनारों को अच्छे से बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, तो किनारों पे हम इसे इसका एक डिज़ाइन बना देंगे जिससे बहुत ही अच्छे से ये सील हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो एक तरफ से ऐसे अंगूठे से हम खींच लेंगे और दूसरे अंगूठे से इसे दबाते जाएंगे तो ये डिज़ाइन बना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। एक दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये बनने लग जाएगा। तो थोड़ा सा अंगूठे से हम इसे खींच लेंगे और दूसरे अंगूठे से दबाते जाएंगे ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल सिंपल है ये। ऐसे थोड़ा सा हम खींचेंगे और दूसरे अंगूठे से दबाते जाएंगे, इसे खींचेंगे दबाएंगे ऐसे खींच लेंगे और फिर दबा देंगे। तो ऐसे बहुत ही आसानी से डिज़ाइन बनकर तैयार होगा, ये देखने में भी सुंदर लगेगा और जब हम चाशनी में गुजिया डालेंगे तो ये फटेंगी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहाँ से ये सख्त हो जाएगा। तो ऐसे ही बना लेंगे हम। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है उसे थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं ताकि इसकी अच्छे से शेप आ जाए और इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। एक और मैं दिखा रही हूँ, इसे अच्छे से बेल लेंगे, जैसे पूरियाँ बेलते हैं बिल्कुल ऐसे ही बेलना है, इतनी ही मोटाई रखनी है। और अब हम 2 चम्मच स्टफिंग डाल लेंगे इसमें और किनारों से पानी लगाकर अच्छे से इसे सील कर देंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करने पर आप अच्छे से डिज़ाइन बना पाएंगी, इसे अच्छे से कर लेंगे बंद। आप चाहें तो फोक की सहायता से या जो कांटे वाला चम्मच है उसकी सहायता से इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। लेकिन अगर आप मावे वाली गुजिया यानी कि चाशनी वाली आप गुजिया बना रहे हैं तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर बना लीजिए जिससे ये फटेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो इसे अच्छे से बंद कर लेंगे, एक तरफ से खींचते जाएंगे और दूसरे अंगूठे से इसे दबाते जाएंगे और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे निकाल देंगे ताकि शेप अच्छी सी रहे। तो ऐसे ही हम साड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे और एक कपड़े के नीचे इसको रखेंगे, हम ढक देंगे इसे अच्छे से। अब मैं मोल्ड वाली बना रही हूँ, ये मोल्ड बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप इस पर घी या तेल लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ताकि अच्छे से हम गुजिया निकाल पाएँ, या वैसे भी निकल जाएंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए हम थोड़ी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और ऐसे हल्का सा इसमें जगह बना लेंगे स्टफिंग के लिए। तो 2 चम्मच के करीब हम स्टफिंग रख लेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है नहीं तो ये फटने लग जाएंगी। और जो इसके किनारे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे तो उस पर हम पानी लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और इसे अच्छे से दबा देंगे। हल्का सा हम प्रेस कर लेंगे इसे, जो एक्स्ट्रा आटा है वो आराम से निकल जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा आटा अपने आप से निकल रहा है। तो ये बनकर तैयार हैं, देखिए वाओ कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। आप ऐसे भी मोल्ड से बना सकते हैं, अगर आपको वो डिज़ाइन बनाना नहीं आता तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो सारी ही गुजिया बनाकर मैंने तैयार कर ली, कर रख दिया है। जब भी आप इनको फ्राई करें तो 10 मिनट पहले आप इन्हें बना के रखें, 10 मिनट तक एकदम सेट होने दें तभी इनको फ्राई करें। तो फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म कर लिया है, तेल बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे ही हमें गर्म करना है।
थोड़ा सा डो इसमें डाल के देख लेंगे, हल्के से बबल बन रहे हैं यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गुजिया डाल लेते हैं। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो गुजिया ज़्यादा बाहर से ज़्यादा पक जाएंगी, अंदर तक वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो हम तेल को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो सारी गुजिया डाल लेंगे और गुजिया डालने के बाद हम इन्हें टच बिल्कुल नहीं करेंगे, इन्हें हम तैर के ऊपर आने देंगे। तभी जब ये हल्का सा फ्राई होके तैर के ऊपर आ जाएंगे तभी टच करेंगे। देखिए तैर के ऊपर आ गई हैं, तो पलट पलट के हम इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, अच्छा साइज में कलर आ जाए और ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाएं। और इस पर हल्का हल्का हम तेल ऐसे ड्रिजल कर देंगे, डाल देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएँ। तो देखिए इसमें हल्का सा कलर आ गया है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इसे और हम फ्राई कर लेंगे। जैसे समोसे हम फ्राई करते हैं 10 से 12 मिनट इनको आराम से लग जाते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं, इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, आप देख पा रहे होंगे, और एकदम क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई हैं। सारी ही गुजियाँ हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। सारी ही गुजिया निकाल लेते हैं और दूसरे वाला बैच है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप गैस की फ्लेम को या तो लो कर दीजिए या थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दीजिए गैस को, तो नॉर्मल तेल हो जाएगा तब आप इसमें फ्राई कर लीजिए। फ्राई की हुई गुजिया को हम चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी में जब हम गुजिया डालेंगे तो चाशनी हल्की से गर्म होनी चाहिए, यानी गुनगुनी चाशनी ज़रूर होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं रखना है। ज़्यादा गर्म में अगर हम गुजिया डालेंगे तो वो बिल्कुल ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगी और टूटने लग जाएंगी, तो हल्की सी गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट मैंने इसे रख लिया है। अब गुजिया को हम निकाल लेते हैं और दूसरी वाली हम चाशनी में डाल लेंगे। तो ये लीजिए चाशनी वाली मावा गुजिया बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और ये चाशनी वाली बनाई है तो बाहर से एकदम सॉफ्ट है और अंदर से एकदम खस्ता कुरकुरी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस होली पर आप भी अपने परिवार के लिए ये खस्ता वाली या मावा वाली गुजिया बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस होली पर आप इन्हें बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।